छतरपुर के घने जंगलों के बीच एक टिंकू नाम का गधा रहता था। वह सारा दिन कभी इधर टहलता, कभी उधर टहलकर घास चरकर अपना पेट भरता और मजे से रहता। नाम है टिंकू गधा, मैं जंगल का हूँ राजा, मैं फल खाता हूँ ताजा ताजा और घास भी खाता हूँ ताजा ताजा, मैं हूँ टिंकू गधा। उसको यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसके जंगल में और जानवर या कोई पक्षी आकर रहे। उससे सभी पशु पक्षी डरा करते थे। एक दिन उस जंगल में एक हिरन का जोड़ा घूमते घूमते आ गया। अरे देखिए जी, यहाँ तो कितनी हरी भरी घास है, आज तो हम पेट भर कर यहाँ पर घास चरेंगे, क्यों ना हम इस जगह में ही अपना घर बना लें और यहाँ पर हम मजे से घास चरेंगे और रहेंगे। ये बात टिंकू गधा सुन रहा था। उसको बहुत जोरों से गुस्सा आया। अरे रुको 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 रुको, अरे रुको, कहाँ से आए हो तुम दोनों? अरे भाई, हम तो बगल के जंगल से आए हैं। वहाँ पर बात ऐसी है कि वहाँ पर घास की कमी हो गई है, इसलिए हम लोग सोचे चलो इस जंगल में आकर हम लोग घर बना लें। अरे तुम लोगों को पता नहीं है क्या, इस जंगल में बहुत खतरनाक शेर रहता है जो इस जंगल में सभी जानवरों का शिकार करता है। टिंकू गधे की ये बात काम कर गई। वह दोनों हिरन के जोड़े डर गए। फिर जंगल से शेर की आवाज सुनाई दी। अब शेर सच में आ चुका था। दोनों हिरन के जोड़े डर के मारे कांपने लगे। अजी अब हम क्या करें, कहां जाएं हम, अब तो शेर आ गया, हम लोगों को खा लेगा। गधे ने फिर उन दोनों को कहा, ऐसा करो तुम दोनों लोग जाकर उस झाड़ियों के पीछे छुप जाओ। वह दोनों हिरन के जोड़े झाड़ियों के पीछे छुप गए। इतने में वहां शेर आ गया। अरे गधे, मुझे यहाँ पर हिरन की महक आई है, क्या यहाँ पर हिरन आ रखे हैं क्या? इसने तो लगता है सुन लिया। गधे का दिमाग काम किया और गधे ने कहा, हाँ महाराज, आए थे यहाँ पर दो हिरन के जोड़े आए थे, उनसे मेरी बहुत जोरों से लड़ाई हो गई थी, वो जरूर आए थे महाराज यहाँ पर। तो फिर किधर गए? मन ही मन सोचने लगा, क्यों ना मैं बता दूं कि ये झाड़ियों के पीछे छुपे हुए हैं। दया आ गई, अरे महाराज वो जंगल के इस तरफ गए हैं, जल्दी से जाइए और आप उनको पकड़ लीजिए, कहीं वह अभी दूर नहीं गए होंगे, अभी पास में ही होंगे, आप जाकर उन्हें पकड़ लो। गधे की बात सुनकर शेर दौड़ता हुआ हिरन के पास जाने लगा। इतने में वो हिरन का जोड़ा बाहर आ गया। अरे धन्यवाद गधे भैया, धन्यवाद, आपकी कृपा से आज हम बच गए,
नहीं तो हमारे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाते। हमारे बच्चे कौन पालता अगर शेर हमें खा लेता। वह हिरन का जोड़ा वहां से चला गया। फिर शेर को जब हिरन नहीं मिले, शेर फिर वापिस गधे के पास आया। अवे गधे, तूने मुझे मूर्ख बनाया। तूने बोला हिरन आए हैं और हिरन की महक यहीं पर आ रही थी। ऐसा है, तूने मुझे मूर्ख बनाया, अब मैं तेरा ही शिकार करूंगा। शेर की बात सुनकर गधे के हक्का बक्का रह गया। गधे का दिमाग फिर काम किया। अरे महाराज, क्या बताऊं, मेरे पैर में ना एक जहरीला कांटा चुभ गया है जो बहुत तकलीफ कर रहा है। कृपा करके पहले वो निकल जाए, उसके बाद आप मुझे खा लेना। शेर ने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही खा लूंगा तुम्हें। मेरा पेट भर जाएगा और मेरे परिवार का भी। तुम में बहुत ज्यादा मांस है। ये बात सुनकर गधा कहने लगा, अरे महाराज, बात ऐसी है, इस जहरीले कांटे की वजह से मेरे शरीर में जहर घुस गया है। मुझे खाने से आपके परिवार को जहर हो जाएगा, जिससे आप सबकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों ना आप पहले मेरा कांटा निकाल दें। गधे की बात सुनकर शेर ने सोचा, बात तो ये सही कर रहा है। गधे ने कहा, महाराज पीछे आइए, पीछे से। जैसे ही शेर गधे के पीछे कांटा निकालने को गया, गधे ने जोर से दुलत्ती मारी और शेर का जबड़ा तोड़ दिया। अब शेर के अंदर खड़ी होने की भी हिम्मत नहीं थी। गधा वहां से चुपचाप बच के निकल गया। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत में बहुत सहज और समझ के साथ काम करना चाहिए, जिससे हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत में निकलने का मौका मिलता है। तो आपको हमारी ये गधे और शेर वाली स्टोरी कैसी लगी, ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।